चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है, जिसमें विविध पक्ष के उम्मीदवारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार राजेश बेले ने विरोधियों पर निशाना साधा। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार राजेश बेले ने आज आयोजित पत्र परिषद में विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं यह चुनाव वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट पर लड़ रहा हूं। मेरी वजह से राजनीतिक दलों के पैरों तले की रेती खिसक रही है, इसलिए अब मुझे बदनाम करने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। ऐसा प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाड़ी के आधिकारिक उम्मीदवार राजेश बेले ने किया। उन्होंने आगे कहा कि बाड़ा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में वंचित बहुजन को सांसद में लेकर जाएंगे, यह हमारी नीति है। इस नीति को हमारे सभी वंचित बहुजन स्वीकार किया है, इसलिए विभिन्न माध्यम से मुझे बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मैं किसी आरोप प्रत्यारोप से न घबराते हुए वंचितों का झंडा हाथ में लेकर लड़ूंगा। चंद्रपुर और यवतमाल जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ एक बड़ी पहचान हुई है। इस संदर्भ में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। विकास म्हणजे आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करणे, जिल्हा परिषदच्या शाळेमध्ये उच्च दर्जाची शिक्षण व्यवस्था प्रदान करणे, प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा रोजगार देणे, बेरोजगारांना रोजगार देणे, इथे इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाचे साम्राज्य वाढलेलं आहे, त्याच्यावरती कारवाई आणि पदबंधन उपाययोजना करणे, अशा अनेक गिनत समस्या त्यांनी केलेल्या आहेत। त्यांनी पहिल्यांदा 2 कोटी वृक्ष लावले, नंतर 4 कोटी लावले, नंतर 13 कोटी लावले, नंतर 33 कोटी लावले, 53 कोटी वृक्ष गेले कुठे, याचं काय झालं, याचा भ्रष्टाचार कुठे झाला, हे सगळे जनतेमध्ये चर्चेचा विषय आहे। खासदार स्वर्गीय यांच्या पत्नी स्वतः आमदार राहिल्या, यांनी स्वतःच्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये का काम केलं, तिथे फिरायला गेलं तर कंबराचे हाड मोडतात, एवढा गड्डे आहे, थोडा युक्त पाण्याची पाणी पुरवठा होत आहे, तिथे जिल्हा परिषदच्या शाळा कुठेही त्यांनी दुरुस्त केलेल्या नाही, कोणतीही शासकीय यंत्रणा राबवली नाही, महिलांसाठी कोणताही योजना आणलेला नाही, ओबीसी वर्गासाठी कुठेही मुद्दा उचलला नाही, कुठेही आंदोलन केलेले नाही, कुठे हा ह्या विकास आणि कुठे जनतेच्या प्रश्नासाठी यांनी काम केलेलं आहे सांगा।